एक ही बात है। चल अच्छा आओ तुम्हें इसके बारे में हम बताते हैं। आओ आओ कोमल तुम भी आ जाओ। शिवांगी अच्छा तुम इधर आ जाओ। आओ आओ बैठो बैठो। हाँ अचल तो इस घड़े में जितना पानी आता है जानते हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मास्टर जी? उसे कहते हैं घड़े की धारिता। धारिता? हाँ। और इस लोटे में जितना पानी आता है उसे कहते हैं लोटे की धारिता। इसका मतलब इस घड़े की धारिता हुई 30 लोटे। नहीं नहीं 3 बाल्टी। बेटा एक ही बात है। इस घड़े की धारिता हुई इसका मतलब 3 बाल्टी या 30 लोटे। लेकिन तब जानते हो तब जबकि घड़ा हमेशा ये वाला होगा और लोटा भी ये वाला हो। मेरे घर में तो छोटा सा लोटा है उससे तो इसमें 40 लोटे पानी आएगा। तब? अरे तब तब क्या, तब इस घड़े की धारिता हो जाएगी 40 लोटे। इसीलिए तो चूंकि ये बदलती रहती है तुम्हारे लोटे से 40 लोटे हो गए हमारे लोटे से 30 लोटे हो गई। इसीलिए इस तरह की इकाइयां को कहते हैं धारिता की अमानक इकाइयां। अमानक इकाइयां? हाँ अमानक इकाइयां। जैसे कि देखो 1 बाल्टी = 10 लोटे, 1 लोटा = 2 गिलास, 1 गिलास = 10 चुल्लू। चूंकि ये हर जगह बदलती रहती हैं इसीलिए धारिता की मानक इकाइयां भी होती हैं। मानक इकाइयां? हाँ मानक इकाइयां, वो इकाइयां जो हर जगह बदलती नहीं। अच्छा शिवांगी एक बात बताओ तुम्हारे घर में दूध आता है? हाँ। कितना? 2 लीटर। अरे हाँ ये लीटर ही तो धारिता की मानक इकाई है। अरे सुनो बेटा एक काम करो तुम वो लीटर रखा ना उठा के ले आओ वहां से। ले आओ जल्दी बेटा। शाबाश। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ देखो ये लीटर जो है यही धारिता की मानक इकाई है। इसमें जब दूध भरो कहीं पे भी भरो हर जगह एक जैसी रहती है। और इस लीटर की छोटी छोटी इकाइयां भी होती हैं। बड़ी वह कौन सी? बड़ी नहीं छोटी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि लीटर के 10वें हिस्से को कहते हैं डेसीलीटर। डेसीलीटर? हाँ यानी कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर हुए। और 100वें हिस्से को कहते हैं सेंटीलीटर। सेंटीलीटर? हाँ यानी कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर हुए? 100 सेंटीलीटर। और इसके 1000वें भाग को तो कहते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर? हाँ बेटा मिलीलीटर। जैसे कोमल मिलीलीटर फिर कितने होंगे 1 लीटर में बताओ? 1 लीटर में होंगे 1000 मिलीलीटर। इसी तरह इस धारिता की बड़ी इकाइयां भी होती हैं। बड़ी वह कौन सी? बड़ी इकाइयों में जैसे कि आप देखो 10 लीटर को कहते हैं डेकालीटर है ना, और 100 लीटर को कहते हैं हेक्टोलीटर, और 1000 लीटर को तो किलोलीटर कहते हैं। कुछ समझ में आया तुम्हारे? जी। बताओ अच्छा 1000 किलोलीटर को हेक्टोलीटर 1000 किलोलीटर। बड़ा मुश्किल है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। देखो अच्छा ऐसा करते हैं हम कहते हैं और आप इसे दोहराएंगे ठीक। 10वां डेसी 10वां डेसी 100वां सेंटी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली है 1000वां भाग मिली। एक बार हम लोग सब साथ कहेंगे नहीं, 10वां डेसी 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। इसी तरह बड़े के लिए क्या कहेंगे? डेका 10 है डेका 10 है किलो 1000 किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार हेक्टो से समझो 100 बार। एक बार क्या हम लोग इकट्ठे कह सकते हैं? कहाँ कहेंगे? चलो डेका 10 है किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार। एक बार फिर कहेंगे डेका 10 है किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार। एक बार हम लोग दोबारा कहें इनको, 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली डेका 10 है किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार।